Welcome to my YouTube channel 24/7 AP Library. Today we have the topic of Fine Arts of Plus 1 and Plus 2. We will start with Introduction to Art. We will discuss some definitions given by different scholars. First is by Rabindranath Tagore. He said, "Man expresses himself through art." Means कि एक person अपने आप को art के through express कर सकता है, art के through अपनी feelings को express कर सकता है. Second definition is by Anon. He said, "Artist is not a special type of man, but every man is a special type of artist." Means कि कोई भी artist कोई special type of person नहीं है, but हर एक person में एक special artist मौजूद है. Third definition is by Aristotle. The aim of art is to represent not the outward appearance of things. Means कि art के through हम सिर्फ outward appearance को ही represent नहीं करते, but their inward significance, but उसकी जो importance है, inner importance है, उसको represent करते हैं. Next definition is by Leonardo da Vinci. Painting is poetry that is seen rather than felt. Painting एक poetry है जो feel करने के से ज्यादा देखी जा सकती है. And poetry is a painting that is felt rather than seen. और poetry है जो वो एक painting है जो देखने की बजाय हम उसे फील करते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन इज बाय पाब्लो पिकासो. पेंटिंग इज जस्ट अनदर वे ऑफ कीपिंग अ डायरी. मींस एक पर्सन है जो वो डायरी लिख रहा है और दूसरा पर्सन है जो वो पेंटिंग कर रहा है. दोनों सेम काम कर रहे हैं, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर रहे हैं. एक पर्सन पेंटिंग के थ्रू कर रहा है और एक पर्सन डायरी के थ्रू कर रहा है. तो पाब्लो पिकासो ने दोनों को सेम बताया, दोनों में कंपैरिजन करके दोनों को सेम वे में एक्सप्रेस किया. नेक्स्ट डेफिनेशन इज बाय प्लेटो. आर्ट इज इमिटेशन. आर्ट इज इमिटेशन मीन्स कि आर्ट है जो एक कॉपी है, वो एक इनर थॉट्स की कॉपी है. जो भी थॉट्स ब्रेन में माइंड में चल रहे हैं वो उसी की कॉपी है जो वो आर्ट के थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं. वो सेम आइडियाज बाहर आर्ट के थ्रू आएंगे. तो आर्ट इज इमिटेशन. दिस इज द कॉपी ऑफ इनर आइडियाज ओनली. Next definition, a man paints with his brains and not with his hands. कि एक person जो अपने हाथ से paint नहीं करता, वो अपने brain से paint करता है. जो भी उसके ideas आ रहे हैं brain में, वो उसी के through paint करेगा, उसी को use करेगा. हाथ है जो वो एक जरिया है, उसके बाहर आने का एक जरिया है, बट जो पेंट कर रहा है मैन, वो सिर्फ अपने इनर थॉट्स के थ्रू कर रहा है, अपने ब्रेन के थ्रू कर रहा है. नेक्स्ट डेफिनेशन, आर्ट एंड इट्स डेफिनेशन लाइज इन द आईज ऑफ इट्स बीहोल्डर. जो
जिस पर्सन के पास कोई भी आर्ट है उसकी डेफिनेशन जो है वो उसी की आईज में है, उसी के माइंड में है, वो कोई और एक्सप्रेस नहीं कर सकता। Tolstoy believed that art is an expression of ideas through action, line, color, sound, or words in such a way that the same ideas are produced in the mind of an onlooker and a listener of the art. Tolstoy ka kehna hai ki art hai jo wo ek expression of ideas hai, वो किसी भी चीज़ के थ्रू हो सकता है, थ्रू एक्शन, थ्रू लाइन, कलर, साउंड और वर्ड्स। और सेम आइडियाज़ उस आर्ट को देखने के बाद और उसको सुनने के बाद उसके लिसनर और ऑनलुकर के माइंड में इमेज बन जाएगी। द डेफिनेशन ऑफ आर्ट इज अंडर कॉन्स्टेंट डिबेट and is constantly changing to adapt the new forms of art that keep rising. अभी आर्ट की एग्जैक्ट डेफिनेशन जो फिक्स नहीं हो सकती, उसके लिए कॉन्स्टेंट डिबेट चल रहा है और चलता रहेगा। बट उसके लिए जो, क्योंकि आर्ट का है जो फॉर्म्स हैं वो चेंज हो रही हैं डे टू डे और न्यू फॉर्म्स क्रिएट हो रही हैं, तो आर्ट के लिए कोई भी डेफिनेशन जो फिक्स नहीं की जा सकती। Now we can conclude that the word art is used to refer to many things, including a study of creative skill. Means art है जो, वो किन किन चीजों को के लिए use कर सकते हैं? A study of creative skill. Creative skill को, creativity को study करने के लिए. A creative process using the skill. कोई भी स्किल को यूज करके क्रिएटिविटी है जो, क्रिएटिविटी का प्रोसेस है उसको शो करने के लिए। अ प्रोडक्ट ऑफ क्रिएटिव स्किल, क्रिएटिव स्किल के, क्रिएटिविटी के बाद जो प्रोडक्ट फाइनल रिजल्ट है जो उसका, उसके लिए यूज कर सकते हैं। और द ऑडियंस एक्सपीरियंस विद द क्रिएटिव स्किल, और ऑडियंस के एक्सपीरियंस से भी आर्ट शो हो रही है। Other creative arts, in addition to visual arts, include performing arts, decorative arts, and plastic arts, etc. और बाकी सारे arts के form भी उसमें include हो जाते हैं। तो इसलिए art के लिए कोई fixed definition नहीं दे सकते, but जो भी expression of ideas है, वो सारी की सारी art में count होती है। Thank you. Now subscribe our channel 24/7 AP Library for more videos and press the bell icon for instant notifications of next videos. Thank you.